नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर करनाल नगर निगम कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने भी नगर निगम के कर्मचारियों का समर्थन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा पर लगाए गए कर्मचारियों को रोल पर लगाने का जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, प्रशासनिक अधिकारी उसको लगाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसका नगर पालिका कर्मचारी संगठन कड़ा विरोध करता है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांगों को पूरा नहीं करते तो वह अपना यह धरना आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसको हड़ताल का रूप भी दिया जा सकता है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर मांग की गई कि सरकार द्वारा मानी गई मांगों को तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा सरकार का कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस मीटिंग में रोल पर लगाने की मांग करने वाले कर्मचारी के अलावा बड़ी संख्या में नगर पालिका कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य व कर्मचारी मौजूद रहे। संघ की इकाई की तीसरे दिन की जो गेट मीटिंग के जो हुई है, लेकिन प्रशासन के अभी तक काम पर कोई जू नहीं सहलाई और प्रशासन बातचीत नहीं करना चाहता। प्रशासन इस आंदोलन को उग्र करवाना चाहता है, उग्र कराने के मूड में है प्रशासन। वो कोई इस बातचीत करके इस मसले को हल नहीं करना चाहता, जबकि सरकार का सीधा सीधा लेटर है। प्रदेश ने ठेके पर लगा कर्मचारी, तमाम कर्मचारी वो ठेका प्रथा बंद करके उनको रोल पे लिया जाए। इसमें प्रशासन हेराफेरी कर रहा है, प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें चोर है, प्रशासन कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी की को बढ़ावा दे करके इस काम को नहीं करना चाहता। अगर ये प्रशासन ने इसमें कोई बातचीत नहीं करी तो ये अगला आंदोलन फिर बड़ा होगा और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। आज क्योंकि आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो करनाल इलाके की इकाई है, इनमें जो हमारे पदाधिकारी है, जिला प्रधान है अशोक प्रोचा जी, निर्माण बिल्लान और राज्य प्रधान है साथी अशोक प्रोचा जी, हम लोग सौ कर्मचारी संघ भी की तरफ से आज जिला कमेटी की तरफ से इनका समर्थन यहाँ करने के लिए इस बात पे पहुंचे हैं कि सरकार का फैसला था कि ठेकेदार को बीच में से निकाल के कर्मचारी को सीधे पेरोल पे रखने का, लेकिन सरकार की चिट्ठी आने के बावजूद भी यहाँ के जो प्रशासन बैठे हैं वो प्रशासन इस बात के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। इन साथियों ने आज तीसरे दिन गेट मीटिंग करी है, उसके बाद आज ये फैसला लेंगे। हमारा ये कहना है कि सौ कर्मचारी संघ हमेशा से नगर पालिका कर्मचारी संघ का समर्थन करता है और आज भी जायज मांग का इनका समर्थन कर रहे हैं, और जब इनका आंदोलन और तेज होगा उसमें सौ कर्मचारी संघ अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस सरकार को हम कहना चाहते हैं प्रशासन। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare, dhanyawad।